पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंका। पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा जिले के बलरई इलाके में अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, फिर उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। फेंके गए स्थान से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर महिला का शव मिला। हत्यारोपी पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। सूचना के आधार पर हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इटावा SSP संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है, मृतका के भाई ऋषिकेश की ओर से स्थानीय थाना पुलिस को अपनी बहन की हत्या किए जाने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सक्रिय होकर यमुना नदी में रेस्क्यू कराकर सबको बरामद किया। जानकारी के अनुसार जिस महिला की हत्या की गई है उस महिला का नाम प्रीति यादव है, जो फिरोजाबाद जिले के नंगला जोरे की रहने वाली है। प्रीति की शादी 15 साल पहले आगरा जिले के चित्राहाट के हरकेश के साथ हुई थी। पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हुई, जिस पर प्रीति मायके आ पहुंची। घर के लोगों ने दोनों को समझा बुझा करके वापस भेज दिया, लेकिन 11 जून को इस बात की जानकारी मिली कि प्रीति की हत्या उसके पति ने करके सबको इटावा जिले में बलरई इलाके के खदिया गांव के पास स्थित यमुना नदी में फेंक दिया है। देखिए, बलरई थाना अंतर्गत एक जो क्या कहते हैं यमुना नदी का पुल पड़ता है, यमुना नदी के पुल पर 11 तारीख और 11:12 की रात में हमारे एक व्यक्ति जो है ऋषिकेश यादव, जो नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दिया कि मेरी बहन को मार करके फेंक दिया गया है मेरे जीजा द्वारा। उस पर जो है अनुसंधान किया जाता है, जब विवेचना की जाती है, जांच की जाती है और उसको हरकेश जो उसमें मुंजिम है उसको पकड़ा जाता है, उसे पूछताछ की जाती है। उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया, उसने बताया कि उसकी वो उसने अपने बीवी पर शक करता था और शक के आधार पर उसने मोबाइल वगैरह में कहीं उसको देखा था कुछ, जिसके आधार पर शक के आधार पर उसको बीवी को अपने ऑटो में लाद करके यमुना पुल पर ले गया और वहाँ गला कस करके उसको मार करके उसको नदी में फेंक दिया, जैसे उसने स्वीकार किया है। बाकी बॉडी को कब्जे में लेने के लिए उस पर जब हम नदी में तमाम हमारे जो क्या कहते हैं गोताखोर वगैरह से तलाश करके बॉडी मिल गई है और महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर पंचायत के पास भेज दिया गया है और उसने जुर्म कबूल भी कर लिया। उसने बताया कि जो है अपनी बीवी को शक करने के आधार पर क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दिया है और हत्या करने के बाद नदी में बॉडी को फेंक दिया था। इसके आधार पर 15/23/302-201 का अभियोग दर्ज करके बलरई थाना अंतर्गत डावा में मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई आज की जा रही है। जैसा कि वो बता रहा है कि सर, चूंकि मैं मुझे शक था कि मेरी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है, उसी आधार पर जब उसने चेक किया और मोबाइल में कुछ उसको आपत्तिजनक चीज मिली थी, जिसके आधार पर वो झगड़ा हुआ, विवाद में उसने जो है अपनी बीवी की हत्या करके, जैसा कि वो खुद स्वीकार कर रहा है, उसे गला दबा के हत्या कर दिया और यमुना नदी में उसको ठिकाने लगा दिया था। बाद में गोताखोरों के माध्यम से पुलिस ने पुलिस और CO जसवंत नगर SPCD वगैरह जाकर के उसको बरामद कर लिए है तथा 302-201 का अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।